वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है। वैसे बता दें दोस्तों कि दो दिन से जो है यहाँ पे सुबह बहुत ही बारिश हो रही है अर्ली मॉर्निंग को, और उसकी वजह से पता नहीं क्यों सडनली क्लाइमेट जो है बहुत ही चेंज हो चुका है। कल रात को इतनी ठंडी थी कि जैकेट पहनने के बावजूद भी मेरे जैसा इंसान जो ठंडी कितनी भी बर्दाश्त कर सकता है वो कांप रहा था। तो क्या कहूँ, इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और अगर आज भी ऐसा ही क्लाइमेट रहा, अगले 3-4 दिन भी ऐसा ही रहा, तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाली है। ऐसे क्लाइमेट में घूमने फिरने का एक अलग ही फ़न रहता है, और खाने पीने का भी बहुत मज़ा आता है। तो इस वक्त जो है मैं अपने घर के पास ही जो एक मेरी हर टाइम की फेवरेट होटल है, रेस्टोरेंट है ओम गणेश में, वहीं बैठा हूँ। आई विल हैव सम सैंडविचेज एंड ऑरेंज जूस एंड देन ऑल फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी, सो आई विल गो बैक टू द लव टेम्पल, विल टॉक टू देम, विल सिट विद देम, विल हैव फन विद देम। कल भी हमने बहुत धमाल मस्ती की है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ही मस्ती चलती है वहाँ पे, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन आपको इतना बताता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी मिली है, और मैं तमाम नए दोस्तों के साथ में, खास करके गौरेश और रिया के साथ में भी बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो चलिए, अगर आज कोई अच्छा कॉन्टेंट वहाँ मिला तो डेफिनेटली आई विल शूट दैट थिंग। एंड पार्टीज़ का अभी तक पता नहीं है, लेकिन हाँ, शाम को जो एक मेरा दोस्त है दिनेश करके, लामोर उसकी एक रेस्टोरेंट उसने खोली हुई है ऑलरेडी, और एक नए रेस्टोरेंट की उसकी ओपनिंग है, तो उसने हमें इनवाइट किया है। तो डेफिनेटली आज रात को वहाँ जाके धमाल चलने वाला है। और जो दिनेश है वो बहुत ही अच्छा सिंगर है, करियोके सिंगिंग करता है, तो मौका मिला तो आज लगे हाथ 2-4 गाने मैं भी गा लूँगा। दोस्तों इस वक्त जो है मारुति स्पा जा रहे हैं, और मेरे साथ में है आदित्य जोरजी और स्वामी जी। स्वामी जी को इस बार आप पहली बार मिले हैं, बहुत ही अच्छा स्पा है, बहुत तारीफ है स्पा की। तो आज हमने वहीं पर अपना मसाज के लिए बुकिंग बुक की है। तो आप मिल रहे स्वामी जी से पहली बार। स्वामी जी कुछ इनके अपने बारे में बताइए। स्वामी जी का वैसे मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि इनका दिल्ली में ओशो सेंटर है इनका, तो स्वामी जी कुछ बताइए अपने ओशो सेंटर के बारे में और आपके बारे में। दिल्ली में हिंदी में बोल रहे हैं? हाँ, हिंदी में। तो जगह का नाम है जोरबा दी बुद्धा, जो कि एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन फेस स्पिरिचुअल सेंटर है, ओशो के विजन पे बना हुआ है, और 3 एकड़ है, और ये दिल्ली के आउटस्कर्ट्स ग्रीन एरिया में है। और यहाँ 400 प्रोग्राम होते थे कोविड से पहले, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड लोग आते थे, और फेस्टिवल्स, रिट्रीट्स, वर्कशॉप, सेशन सब कुछ होते थे। अभी तो बंद है। और वो ऐसा है जगह है जहाँ पे जोरबा दी बुद्धा अलाइव हो। जोरबा का मतलब सेलिब्रेशन और बुद्धा का मतलब मेडिटेशन, वहाँ दोनों चीजें एक साथ में है। उसका विजन है कि हम हंसते गाते हुए ध्यान करें और उस तरह जाए। तो बहुत सुंदर जगह है, विश्व विख्यात जगह है, और आप आए जब भी आपको सुविधा हो। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू स्वामी जी। तो इस वक्त बता दो कि कार में 4 जन बैठे, और 4 में से जो 3 है वो ओशो फॉलोवर्स है, और चौथा को हम बना रहे हैं पकड़ के। काफी चर्चा होती रही उसके साथ अभी ओशो के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं, उसमें भी ओशो में इनवाइट कर रहे हैं, उसो में कमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग। अच्छी लग रही है बातें लोगों को ओशो की, लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग समझते जा रहे हैं, बात करके और ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं, तो बहुत इन्जॉय करे दोस्तों। तो इस वक्त हम जो है आरती स्पा पे पहुंच चुके हैं, हमने जाके आज स्पा लेंगे, एंड देन वी विल प्लान कि शाम का प्रोग्राम क्या है। वैसे दोस्तों मैं जब भी कभी स्पा करता हूँ तो मैं डीप टिश्यू मसाज ही करता हूँ, और डीप टिश्यू मसाज का यहाँ पे 3,000 रुपीज़ है, क्योंकि हमारे ये दोस्त की जगह है, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है, ओनली 2,000 रुपीज़ फॉर 90 मिनट्स। और इसके अलावा एक रशियन थेरेपी का सोना बात होता है, वो भी हमें एब्सोल्युटली 1,000 रुपये कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। तो यही तो मज़ा आती है ना, जब दोस्तों आप किसी दोस्त के पास मिलने जाओ, उसी की शॉप में जाके या उसी के मसाज सेंटर में जाके मसाज को लो। तो आप भी ज़रूर आइए दोस्तों, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर, और एड्रेस भी जो है स्क्रीन पर डाल दूंगा, ताकि आप भी अपना स्लॉट यहाँ पर बुक कर सकें। थैंक यू। तो गाइस, दिस इज रशियन सोना,
रसन सुना का अर्थ ये होता है, रसन बानिया कहते हैं इसे। रसन बानिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो होता है लकड़े से इसमें आग लगाई जाती है, और उसमें आग लगने से चारों ओर पत्थर होते हैं, तो पत्थर से जो है हीट पैदा होती है, और उससे जो है ये देखिए उससे जो है जो गर्मी बनती है उससे आपको सोना मिलता है। तो ये जो है पर्टिकुलरली बहुत ही पहली बार यूनिक है मुंबई में या किसी मेट्रो सिटीज में इस तरह का रसन बानिया या रसन सोना जो भी आप समझे नहीं होता है। ये सिर्फ आपको गोवा में आरती स्पा में ही देखने को मिलेगा और इसे यूज़ करने को मिलेगा। और दोस्तों ये भी कह दूँ कि आज का जो स्पा था वो स्पा भी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छी मसाज थी। अक्सर देर रात को पार्टी करने के बाद में आप बहुत थक जाते हो 7-8 दिन 10 दिन से, तो मसाज के बाद जो है बहुत ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो आई वुड से कि जब कभी भी आप यहाँ पे आओ तो आरती स्पा में आके रसन सोना का और इसका अनुभव जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस राइट नाउ वी हैव कम टू द प्राणा कैफे। स्वामी जी ने बहुत तारीफ की, हालांकि मैं कभी यहाँ आके बैठा नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन स्वामी जी ने तारीफ की है तो इस वक्त यहाँ जाना भी ज़रूरी है प्राणा कैफे। और यहाँ से जो खूबसूरत सामने का जो व्यू है अश्वेम बीच का, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। मैं आपको एक बार कैमरा रोटेट करके सामने का दृश्य दिखाता हूँ, ये देखिए। दोस्तों प्राणा कैफे के रूफ टॉप से इतना ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं प्राणा कैफे से नीचे उतरा हूँ, और नीचे उतर के जो है सामने थोड़ा सा बैठने के लिए कोई जगह है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से जो सनसेट का व्यू है वो बहुत ही मेसमराइजिंग है, कातिलाना है, खूबसूरत है, अनबिलीवेबल है। तो अब मैं कुछ ज़्यादा तारीफ़ करूँ तो बार बार मज़ा नहीं आती। आप भी देखिए और देखिए कि वाकई में मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। तो हर बार की तरह फिर से एक बार चलो दोस्तों कैमरा रोटेट करता हूँ आपको ये ब्यूटीफुल व्यू सनसेट का अश्वेम बीच का राणा कैफे के ठीक सामने से आपको दिखाता हूँ। सो गाइस वी हैव कम टू द प्लेस कॉल अमाता बाय द बीच, जो कि रॉक वाटर और मॉर्जिन नहीं कहूँगा, मार्बेला बीच के बिल्कुल पास में है। यहाँ का आज जो प्रोग्राम है वो मेरे एक दोस्त ने इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा है, तो उस प्रॉपर्टी की आज जो है ओपनिंग है, और उसने इनवाइट किया था, पर क्योंकि स्पा के चक्कर में और दूसरे जो हमने धमाल किए प्राणा में उसके चक्कर में हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो 8:30 तक वहाँ पर डीजे है यहाँ पे, तो इस वक्त वी हैव रीच्ड ओवर हियर, तो आपको अंदर लेके चलता हूँ। इस वक्त दिनेश भाई अमाता के ओनर हमारे, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस दिनेश जी। थैंक यू सो मच। वी आर लेट, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, आप ही के यहाँ पे थे, स्पा में थे। ओके सो तो हमें आरती जी भी मिल चुकी है इस वक्त यहाँ पे। आरती जी आपका चेहरा नहीं आ रहा, लाइट में आ जाइए थोड़ा सा। यस हाँ, अभी आप दिख रहे हो, तो ये वही आरती जी है जिनके यहाँ पे आरती स्पा में जाके हमने स्पा लिया है आज। और आरती जी ने हमें आज 1000 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है। Oh my God. तो मैं सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आरती जी आप कुछ बोलेंगे अपने बारे में। थैंक यू फॉर चूजिंग अस, आपने हमें चूज किया मसाज के लिए। ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर यहाँ भी आने के लिए और वहाँ भी आने के लिए। आई होप यू लव द मसाज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, वी होप टू सी यू अगेन, एंड इफ एनी सजेशन यू वांट टू गिव अस वी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर। सो
राइट नाउ तो मैं कोई सजेशन दूंगा नहीं इनको, मैं खाली इतना ही कहूंगा कि इट वाज अ वंडरफुल स्पा एट आरती स्पा। थैंक यू सो मच। और नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो पहले माफी मांगूंगा कि हम लोग लेट आए यहाँ पे 2 घंटे, पर इन्हीं के स्पा में थे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, दूसरी जगह थे, झूठ बोल रहे हैं। प्राणा में थे। ओके, तो अभी बोलिए आप, टाइम वेस्ट ना करिए, आगे आइए पार्टी।